तो दोस्तों अभी मैं हूँ वापी के रेलवे स्टेशन पे। आप ये देख सकते हो पीछे, ये है रेलवे स्टेशन वापी का। और अभी मैं चल रहा हूँ मार्केट की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे चल रहा हूँ। जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये दीवार देख रहे हो, इसके जस्ट इस तरफ रेलवे स्टेशन का ट्रैक बना हुआ है। तो ये वापी का जो रेलवे स्टेशन है, ये अभी दीवार बन गई है, पहले ये दीवार नहीं थी। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसी बीच में दीवार बन गई। दीवार थी लेकिन छोटी दीवार थी, जिसे आप पीछे भी देख सकते हो, लेकिन अब इतनी बड़ी गई हो गई है कि आप देख ही नहीं देख सकते हो। तो ये जो आपको वाइट वाइट अभी जो बिल्डिंग दिखी, ये है टिकट घर जो रेलवे स्टेशन का है। बाकी मैं अभी आगे चलता हूँ, आगे से आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ कि रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। तो ये जो रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे रोड है, तो इसी से मैं अभी आया हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों को रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये है रेलवे स्टेशन जो कि वापी का है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं आप देख सकते हो, बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, साथ में एक ये मालगाड़ी भी जा रही है। बाकी ट्रेन्स वगैरह भी कम चल रही हैं COVID-19 की वजह से। तो देख सकते हो ये है वापी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह जो है वो नहीं दिख रही होगी। आप गाड़ी आपको बाहर से मिलेगी, क्योंकि अभी गाड़ी यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ से आपको ऑटो वगैरह जो है वो सारे मिल जाएंगे, जिससे आप दमन आ सकते हो घूमने के लिए। लेकिन अभी मैं आपको चलता हूँ, थोड़ा और भी दिखा देता हूँ। थोड़ा जो मार्केट एरिया है वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जो मार्केट वगैरह है तो वो दिखा देता हूँ। देख सकते हो बहुत ही कम लोग हैं। ये आप सामने देख रहे हो, तो यहाँ पे पूछताछ केंद्र है, इंक्वायरी ऑफिस, तो यहाँ से आकर आप जानकारी ले सकते हो ट्रेन वगैरह की। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ, और देख सकते हो पूरा मैदान पड़ा हुआ है। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ भरी रहती थी, इतनी भीड़ होती थी, लेकिन अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सब पूरा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 2-3 ATM भी है, तो अगर आपको रुपये में निकालने वाला कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल सकते हो। तो दो गेट है, एक मेरे राइट हैंड साइड पे है और ये मेरे सामने जो जिससे मैं चल रहा हूँ। अगर आप इस रोड से जाते हो तो सामने आप बिल्कुल मार्केट पे पहुँच जाओगे, लेकिन मैं थोड़ा अभी आपको घूम के जो दमन का रोड है, ये देख सकते हो टैक्सी बाहर सब खड़ी हुई है। तो आप यहाँ से टैक्सी वगैरह जो है हायर कर सकते हो, बाकी आप शेयर रिक्शा से भी जा सकते हो दमन। तो ये देख सकते हो बहुत सारी टैक्सी वगैरह जो है अभी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने के लिए। और दमन में सारे जो बार वगैरह हैं वो भी खुल गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये है वापी का चौराहा। सामने अगर आप जाते हो तो मार्केट आप पहुँच जाओगे, बिल्कुल मार्केट जो वेजिटेबल मार्केट है वापी की, तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। बाकी मैं अभी चलता हूँ, तो आपको थोड़ा ये जो रास्ते का व्यू है, जो रेलवे स्टेशन रोड जिसको बोलते हैं वापी का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेलवे स्टेशन जो रोड है वो कैसा है। तो ये सब देख सकते हो काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद भी हैं, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। तो देख सकते हो अभी ज़्यादातर दुकानें क्लोज हैं, देख सकते हो शटर गिरे हुए हैं, बाकी खुली हुई हैं दुकानें। अभी दोपहर का करीब 2 बज रहा है इसकी वजह से। तो अभी हम आपको मार्केट भी घुमाएंगे चल के, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि क्या है, कैसा है सिचुएशन, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा जो रेलवे स्टेशन रोड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो मैं सोचा चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ। और आगे से मैं टर्न मार लूँगा मार्केट के लिए, जो आपको गली दिख रही है वहाँ से। तो ये देख सकते हो इन गलियों में भी फल वगैरह की दुकानें, सब्जी वगैरह की दुकानें थोड़ी थोड़ी लगी रहती हैं। बाकी चलते हैं और आगे दिखाते हैं मार्केट। तो दोस्तों देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, और मार्केट भी लगी हुई है ज़बरदस्त, डेली मार्केट लगी रहती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेज है, आपको 7ों दिन यानी कि हर सप्ताह, यानी कि पूरे सप्ताह में जो जितने भी 7ों दिन होते हैं, आपको यहाँ पे 7ों दिन मार्केट लगी हुई मिल जाएगी। बहुत ही भीड़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, और आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह ठीक ठाक भाव में मिल जाते हैं,
कंपेयर करूँ दमन में तो दमन है और वापी में सबसे सस्ती सब्जी मिलती है और यहीं से सारी सब्जी जो है दमन के लिए सप्लाई होती है, बिकॉज दमन में कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे सब्जी वगैरह की पैदावार हो सके। तो जितना भी खाने पीने का सामान है वो सब वापी से या फिर महाराष्ट्र वगैरह से आता है, तो वापी गुजरात में पड़ जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों से ही दमन में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आती हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये है वापी की वेजिटेबल मार्केट और कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से जो लेनी है वो भी ले लूँगा बाद में, बाकी आपको दिखा देता हूँ कि क्या है सीन। तो दोस्तों देख सकते हो ये है वापी और काफ़ी बड़ी मार्केट है वापी और यहाँ पे आपको हर एक सब्ज़ी मिल जाएगी जो भी आप लेना चाहो और काफ़ी किफ़ायती दामों में भी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो है मिल जाती है। तो देख सकते हो ये है मार्केट का कुछ व्यू इस तरह से जो मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स की दुकानें आपको मिलेंगी, फल वगैरह जो हैं वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं दमन की कंपेयर पे। अगर दमन पे कंपेयर करूँ, जैसा कि मैं एप्पल की बात करता हूँ, दमन में अगर मैं एप्पल लेता हूँ तो मेरे को 100-120 अराउंड देना पड़ता है एप्पल के लिए, बट अगर वापिस से लेता हूँ तो 60-80 के अराउंड देना पड़ता है मेरे को वापी पे। तो काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे मिल जाता है और काफ़ी किफ़ायती दामों में। तो ये कुछ व्यू वगैरह जो था वो ऐसा था, बाकी अभी मैं आपको घुमा के फिर से दिखाने ले चलता हूँ और इस बार आपको जो मछली मार्केट है वो भी दिखा दूँगा, ताकि आप लोग ये जानो कि मछली मार्केट भी इसी पे पड़ती है। बाकी मैंने उसको नहीं दिखाया था, मैं बीच से ही यूटर्न मार के आया था, इसकी वजह से आधा जो मार्केट एरिया है वो ही दिखा पाया। इस बार चलते हैं घूम के फिर से और आपको दिखाते हैं जो पूरा मार्केट एरिया है। ये देख सकते हो काफ़ी गाय वगैरह जो है यहाँ पे घूमती रहती हैं और इनके भी खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, और नहीं होता है तो ये खुद बना लेते हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक है, मार्केट भी लगी हुई है दोपहर आप जैसा कि है, तो उसको देखते हुए भीड़ भी ठीक ठाक है। बाकी शाम मीटिंग भाई क्या ज़बरदस्त भीड़ होती है। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना वगैरह अगर सब्जी वगैरह लेना है आपको, तो अगर आते हो तो आप दोपहर के समय भी आ जाओ, भले ही आपको थोड़ा धूप का सामना कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको शाम को आते हो तो भाई आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इतनी भीड़ होती। तो ये देख सकते हो ये है अभी जो मैं आपको दिखाना भूल गया था अंदर, तो अभी चलता हूँ और आगे आपको थोड़ा फिश मार्केट की तरफ भी रुक करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो तो ये है सब्जी मार्केट और मसाले भी यहाँ पे बहुत ही दुकानें लगी हुई हैं, तो मसाले भी आप ले सकते हो यहाँ से। और यहाँ से ये सब्जी मार्केट है लगभग ख़त्म हो जाती है और ये कुछ दुकानें बची हैं, और आगे से शुरू होती है फिश मार्केट यानी कि मछली बाज़ार। तो बहुत सारे लोग हैं जो वापी में मछली वगैरह लेने के लिए भी बोलते हैं, तो आकर यहाँ पे आप मछली वगैरह जो है ले सकते हो। ये जितनी भी दुकानें आपको दिख रही हैं यहाँ पे मसाले और मछली की दुकानें हैं, तो ये जो दुकान देख रहे हो आप, तो यहीं से मैंने आके वीडियो बनाया था। तो दोस्तों देख सकते हो ये सारी हैं फिश की मार्केट, ये देख सकते हो आप कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे, और कुछ दुकानों पे जो मछलियाँ हैं वो अभी आई हुई हैं बिकने के लिए। देख सकते हो ये बर्फ कितनी मछलियाँ नीचे पड़ी हुई हैं, देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मछली है और कितनी सारी पड़ी हुई है। और ये आगे भी दुकानें हैं जो कि यहाँ पे आपको हर एक वैरायटी की जो मछली है वो मिल जाती है, काफ़ी किफ़ायती दामों में मछली यहाँ पर मिल जाती है चीपेस्ट प्राइस। तो मछली वगैरह लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सामने है अंडा स्टोर, यहाँ पे आपको अंडे मिल जाएंगे जितने भी आपको चाहिए, अनलिमिटेड अंडे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हो ये है अंडे की दो बड़ी बड़ी दुकानें, तो आपको अगर अंडा लेना है होलसेल प्राइस में तो आप यहाँ पे आकर ले सकते हो। तो कुछ भी वगैरह जो है वो यहाँ का ऐसा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन लिंक आप तक पहुँचती रहे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ ये सीन था वापी की मार्केट का, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आप लोग कमेंट्स बहुत ही कम करते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक इस वीडियो की रिकमेंडेशन मिल जाए। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।